हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी मास्टर। मैं आपका फ्रेंड जीएस राय। फ्रेंड्स, आज है 18th ऑफ सितंबर। आज के करंट अफेयर आपको अच्छे से करवाए जाएंगे फ्रेंड्स। उससे पहले फ्रेंड्स, वीडियो को ध्यान से देखिए और सुनिए सारी चीज़ें। अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए, ताकि जब भी कोई नई वीडियो जब भी कोई आए वीडियो पर यहाँ पर, तो उसको पता लगे कि हाँ, वीडियो पर इतने लाइक्स हैं तो बंदा अच्छा पढ़ा रहा है। फ्रेंड्स, जब आप वीडियो को लाइक करते हैं तो हमें मोटिवेशन मिलता है। आप पूरी वीडियो को एक बार देख लीजिए, वीडियो देखने के बाद पसंद ना आए तो फिर नीचे कमेंट कर सकते हैं कि सर, हमें आपकी ये चीज़ अच्छी नहीं लगी, इसको आप सुधारो, तो हम वो चीज़ आपके लिए सुधार लेंगे। चलिए फ्रेंड्स, डेली विजिट कीजिए हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर। यहाँ पर आपको जो है नए नए करंट अफेयर्स सारी यहाँ पर पीडीएफ्स मिल जाएंगी। आप हमारे टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। इस जो वीडियो चल रही है, अभी वीडियो बनाई है, इसकी पीडीएफ भी आपको जो है लिंक नीचे दिया गया, वहाँ से जाकर आप लोग वीडियो डाउनलोड कर सकते हैं। ये जो करंट अफेयर आपको एसएससी, यूपीएससी, बैंक सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहेंगे। सबसे पहले फ्रेंड्स, जो कल के करंट अफेयर हैं 16th ऑफ 17th सितंबर के, ये आपको सबसे पहले मैं आपको रिवीजन करवा देता हूँ, क्विक रिवीजन। उसके बाद आपको जो है 18 सितंबर के सारे करंट अफेयर अच्छे से करवाऊंगा। निम्न में से किस कंपनी ने हाल ही में ब्रिज नाम एक ग्लोबल इंटर्नशिप प्रोग्राम की शुरुआत की है? एमजी मोटर इंडिया कंपनी ने। भारत के एथलीट मयंक वेद ने वर्ल्ड की सबसे कठिन रेस एंड्रू रोमन ट्रायथलन को कितने समय में जीतकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? 50 घंटे और 24 मिनट में। केंद्रीय शासित प्रदेश लद्दाख के दिस्कित गांव में किस बैंक ने अपनी नई शाखा खोली है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने। आरबीआई की फुल फॉर्म क्या है? नीचे कमेंट कीजिए। भारत ने आसियान देशों के छात्रों को आईआईटी में कितने पीएचडी फेलोशिप देने की घोषणा की है? 1000 पीएचडी। 16 सितंबर को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व ओजोन दिवस। ओप्पो कंपनी ने भारतीय क्रिकेट टीम के टाइटल स्पॉन्सरशिप का अधिकार किस कंपनी को बेच दिया है? बीजू कंपनी को। आपने देखा होगा उनकी ड्रेस, अभी भारतीय टीम की, क्रिकेट टीम की ड्रेस देखना, बीजू कंपनी लगा रही लोगों। अभी भारत के किस बैडमिंटन खिलाड़ी ने चीन के फेई जियांग सुन हराकर वियतनाम ओपन खिताब जीत लिया है? सौरभ ने। प्राउड की बात है। भारत के किस युवा शटलर ने दूसरी सीड विक्टर स्वेंडसन को 21-24, 21-15 से हराकर बेल्जियम इंटरनेशनल चैलेंज का खिताब जीत लिया है? लक्ष्य सेन ने। भारतीय अंडर 19 क्रिकेट टीम ने बांग्लादेश को 5 रन से हराकर लगातार कौन सी बार एशिया कप जीत लिया है? दूसरी बार। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पाकिस्तान की किस पॉलिटिकल पार्टी के संस्थापक मौलवी ताहिर उल कादरी ने राजनीति से संन्यास लेने की घोषणा की है? पाकिस्तान अवामी तहरीक। चलिए आज के करंट अफेयर शुरू करते हैं फ्रेंड्स। मैं एक चीज बताता हूँ आपको, रिविजन इज पावर। मैं आपको डेली कहता हूँ रिविजन इज पावर। इसका मतलब समझिए फ्रेंड्स, कि आप जितनी ज़्यादा रिवीजन करेंगे उतनी ही ज़्यादा आपको चीज़ें याद रहेंगी फ्रेंड्स। जरूरी नहीं कि मैं ये करंट अफेयर के लिए बोल रहा हूँ या फिर करंट अफेयर मैं करवा रहा हूँ, तो इसलिए आपको मैं करंट अफेयर कह रहा हूँ कि करंट अफेयर की रिवीजन करनी चाहिए। नहीं, आप हिस्ट्री पढ़ते हैं उसकी रिवीजन कीजिए, पॉलिटी पढ़ते हैं उसकी रिवीजन कीजिए, इकोनॉमी पढ़ते हैं उसकी रिवीजन कीजिए। जो भी चीज़ आप पढ़ते हैं, चाहे आप मैथ्स पढ़ते हैं, इंग्लिश पढ़ते हैं, कोई भी सब्जेक्ट, आप छोटा मोटा सब्जेक्ट, बड़ा सब्जेक्ट, कुछ भी पढ़ रहे हैं, रिवीजन जरूरी है। रिवीजन नहीं करोगे चीज़ें भूलती जाएंगी। आप क्या करोगे, एग्जाम में जाके बैठोगे, आपको याद आएगा कि हाँ यार, मैंने पढ़ा हुआ है, बट आंसर क्या है? क्योंकि एग्जाम में तो सारी चीज़ें ए बी सी डी, उसमें सिर्फ आपको क्या होगा कि डी आंसर नहीं है, ए आंसर नहीं है, बट बी और सी में से कौन सा आंसर है, क्योंकि रिवीजन नहीं की, तो आपको वहां पर जाकर कन्फ्यूजन करेगा ही करेगा। इसलिए फ्रेंड्स, रिवीजन जरूरी करनी चाहिए, डेली कीजिए। अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, नहीं अच्छी लगी हो तो नीचे कमेंट करके बताइए कि सर, ये फालतू की इधर उधर की बातें मत किया करो, वीडियो पर आया करो, पढ़ा के अपने चलते बना करो। बात खत्म। 22 सितंबर को होने वाले ह्यूस्टन में हाउदी मोदी कार्यक्रम में किस देश के राष्ट्रपति हिस्सा लेंगे? तो फ्रेंड्स, वो अमेरिका के अंदर हिस्सा लेंगे। भारत के किस राज्य में सरकारी विभागों में पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से सूचना पोर्टल 2019 लॉन्च किया है? फ्रेंड्स, ये सूचना पोर्टल 2019 ये राजस्थान के अंदर लॉन्च किया गया है। ये किस बिहाफ पे लॉन्च किया गया है? जैसे राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट था, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 के अंदर लागू किया गया था, और आरटीए फ्रेंड्स, इसके तहत जो तहत करने के अलावा आरटीए के साथ क्या हो गया फ्रेंड्स, कि आपको आरटीए के साथ क्या सूचना डालनी पड़ती थी कि हाँ, हमें आरटीए चाहिए। तो आपको क्या होता है कि आरटीए में आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म देना पड़ता है, लेकिन यहां पर क्या हो जाएगा कि इसके अंदर सूचना पोर्टल के अंदर, इसका पूरा नाम जान लीजिए फ्रेंड्स, यहां पर इसका नाम है जन सूचना पोर्टल। तो इसके अंदर सारी जो इन्फॉर्मेशन, जैसे एक वेबसाइट पर होती है, उसी तरह से सारी इन्फॉर्मेशन पड़ी होगी। जो भी आप देखना चाहे यहाँ से आके आप लोग देख सकते हैं। पब्लिक इन्फॉर्मेशन पोर्टल है ये, तो आरटीआई का एडवांस वर्जन आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर। जस्टिस पी लक्ष्मण रेड्डी को हाल ही में किस राज्य का पहला लोकायुक्त नियुक्त किया गया है? तो उनको आंध्र प्रदेश का जो लोकायुक्त नियुक्त किया गया है फ्रेंड्स। अब आंध्र प्रदेश जो आपको पता है पहला भाषा के आधार पर बना हुआ पहला स्टेट,
भाषा आधारित पहला स्टेट। अब ये तो ठीक है, आपको समझ आ गया भाषा आधारित फर्स्ट स्टेट है, लेकिन ये बना कब था ये आप क्वेश्चन है, तो 1953 में इसको सबसे पहले बनाया गया था। तो ये चीज़ें आपको इंपॉर्टेंट है, याद रखिए एग्जाम में क्वेश्चन इस तरह से आते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता कभी भी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कितनी अति पिछड़ी जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के फैसले पर रोक लगा दी है? तो 17 अति पिछड़ी जातियों को, शेड्यूल्ड ट्राइब्स को, उन्होंने क्या है शेड्यूल्ड कास्ट के अंदर करने का फैसला लिया था। सरकार ने ऐसा किया लेकिन हाईकोर्ट ने रोक लगा दी उस पर। इनमें से किस राज्य सरकार ने चोरी हुए मोबाइल फोन्स को ट्रैक करने के लिए पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया है? तो महाराष्ट्र सरकार ने। चलिए महाराष्ट्र की कैपिटल क्या है ये बताइए नीचे कमेंट करके। रेलवे के एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं कि महाराष्ट्र की कैपिटल क्या है, क्योंकि आपको पता है कि रेलवे के एग्जाम पूरी कंट्री में होते हैं, और फ्रेंड्स काफ़ी आपको पता है कि सेंटर्स होते हैं, काफ़ी शिफ्टों में होते हैं, मतलब पूरा 2 महीने तो रेलवे के एग्जाम चलते रहते हैं, उसमें ऐसे क्वेश्चन भी पूछ ले जाते हैं। हाल ही में यूनेस्को ने किसकी संरचना रचनाओं को संग्रह को अंतर्राष्ट्रीय भाषाओं में प्रकाशित किया है? गुरु नानक देव जी। फ्रेंड्स इनका जन्म 1469 में हुआ था, ये याद रख लीजिए, राय भोई की तलवंडी में हुआ था, तो ये भी जरूर याद रखिए, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं गुरु नानक देव जी का जन्म कब हुआ था। चलिए यूनेस्को की फुल फॉर्म नीचे कमेंट कीजिए। IBSF वर्ल्ड बिलियार्ड्स चैंपियनशिप का टाइटल जीतकर पंकज अडवाणी कौन सी बार वर्ल्ड चैंपियन बन गए हैं? तो वो 22वीं बार वर्ल्ड चैंपियन बन गए हैं। निम्न में से किस खिलाड़ी को आगामी विजय हजारे ट्रॉफी के लिए हैदराबाद टीम का कप्तान नियुक्त किया गया है? अंबाती रायडू को। पाकिस्तान के किस वर्ष तक चीन की मदद से पहला पाकिस्तानी यात्री अंतरिक्ष में भेजने की घोषणा की है? तो 2020 के अंदर, सॉरी फ्रेंड्स 2022 के अंदर। और गगनयान क्या है? अगर आपको थोड़ा सा पता है गगनयान के बारे में तो बताइए कि ये किसका प्रोजेक्ट है, ये इसरो का प्रोजेक्ट है, ये रशिया का प्रोजेक्ट है, ये पाकिस्तान का प्रोजेक्ट है, या फिर ये नासा का प्रोजेक्ट है? आप लोग कमेंट कीजिए नीचे, मैं नहीं बता रहा आपको, मैं आपको कल बताऊंगा। हाल ही में कौन सा देश फीबा बास्केटबॉल वर्ल्ड कप जीतकर 2 बार खिताब जीतने वाला 5वां देश बन गया है? तो स्पेन 5वां देश यहाँ पर बन गया है। तो फ्रेंड्स ये आपको जो 10 क्वेश्चन करवा दिए हैं, साथ में जो 10 करंट अफेयर करवा दिए हैं, अब आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो मैं कल भी दे रहा था, आज भी आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दूंगा, क्योंकि आप हमारे यूनिक व्यूवर्स हैं, आपको कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट जरूर मिलना चाहिए। आपने यहाँ तक वीडियो देखा है उसके लिए थैंक यू सो मच। अब आपको जो है एडिशनल इन्फॉर्मेशन देख लीजिए, यहाँ पर वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स क्वेश्चन आएगा एग्जाम के अंदर, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स भारत में इसका कौन सा स्थान है? वहां पर एग्जाम में बच्चे क्या करेंगे, इधर उधर देखेंगे, पता नहीं ये क्या क्वेश्चन पूछ लिया, पता नहीं इसका कौन सा स्थान है। तो इसका रैंक कितना है, इसका रैंक है 140, टोटल कितनी कंट्रीज में से 180 कंट्रीज में से, मतलब हमारे पास जो प्रेस की फ्रीडम है बिल्कुल घटती जा रही है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर। चलिए एक और क्वेश्चन है, प्रेस से रिलेटेड कौन सा आर्टिकल है? प्रेस रिलेटेड आर्टिकल जो आप अपनी बात रख सकते हो, या फिर प्रेस से रिलेटेड आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल 19, 19A जो है आर्टिकल रिलेटेड है, लेकिन आर्टिकल 19 वहां पर मिला होगा आपको अनुच्छेद 19, तो आप वो आंसर दे दीजिए कि ठीक है अनुच्छेद 19 जो है प्रेस से रिलेटेड है। चलिए एक और क्वेश्चन, आपको प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? अगर आपको पता है, आपने कहीं पढ़ा हुआ है, तो नीचे कमेंट जरूर कीजिए, नहीं तो फिर कल इसका आंसर मैं आपको दूंगा कि प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है। इसके अलावा फ्रेंड्स कृष्णा नदी, आपने शायद थोड़ा बहुत पढ़ा होगा इसके बारे में, कृष्णा रिवर के बारे में बहुत ज़्यादा न्यूज़ के अंदर आई थी, इसके अंदर डूबने से काफ़ी लोगों की मौत हो गई है, तो कृष्णा रिवर अब पूछी जा सकती है। ये दक्षिण की ओर बहती है नदी, ये याद रख लीजिए। अब क्वेश्चन आएगा कृष्णा नदी कहाँ से उत्पन्न होती है, तो पता होना चाहिए ये महाराष्ट्र राज्य के अंदर, महाराष्ट्र में से कौन सी जगह पर? महाबलेश्वर, महाबलेश्वर, महाबलेश्वर से ये उत्पन्न होती है, तो ये आप याद रखिए कृष्णा नदी। और ये गिरती कहाँ है? बे ऑफ बंगाल में जाकर ये गिर जाती है। तो आपको सारी चीजें याद रखनी है। अब ये पूछा जा सकता है कृष्णा नदी कौन कौन सी स्टेट से होकर गुजरती है? ऑप्शन दिए होंगे महाराष्ट्र, महाराष्ट्र से उत्पन्न हो रही तो वहां से जरूर गुजरेगी, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, तो ये 4 राज्यों में से होकर गुजरती है कृष्णा रिवर। आपको सारी चीजें कृष्णा रिवर के बारे में मैंने अच्छे से बता दी हैं। अब फ्रेंड्स इसके बाद आप बताइए कि फर्स्ट टाइम बैंक कहां पर सेटअप किया गया? फर्स्ट टाइम बैंक, पहला टाइम बैंक कहां पर जो है सेटअप किया गया? तो पहला टाइम बैंक फ्रेंड्स जापान के अंदर सेटअप किया गया, जरूर याद रखिए,
ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो पूछा जाएगा। और भारत के अंदर पहला टाइम बैंक स्थापित करने की कहाँ पर योजना चल रही है, मध्य प्रदेश के अंदर पहला टाइम बैंक स्थापित करने की बात चल रही है। तो आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, बता दीजिए कि सर जो 10 क्वेश्चन आप करवाते हो वो तो ठीक है, लेकिन जो आप एडिशनल इन्फॉर्मेशन देते हो ये ज़्यादा अच्छी रहती है। तो मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताइए, मैं आपके लिए और इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर आऊँ, मैं आपके लिए और इन्फॉर्मेटिव चीज़ें आपको बता सकूँ। आप जैसा कहेंगे फ्रेंड्स वैसी वीडियोज़ आपको मिल जाएंगी। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, आपका दिन शुभ हो।